स्वागत है आपका की टू सक्सेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 6 की, जिसका टॉपिक है आर्यंस। आर्य बेसिकली इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, जो सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरेशिया कहा जा सकता है इसको, होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में आते हैं। ये काइफर और बोलान दर्रों को पार करते हुए आते हैं 1700 बीसी में। ये माइग्रेट कर जाते हैं और सेटल होते हैं सप्त सिंधु के इलाके में 1500 बीसी में, जहां पर इनका जो कबीला है वो पश्चिम बंगाल से लेकर के हरियाणा तक फैल जाता है। जहां ये पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा तक फैल जाते हैं। आर्यंस द्वारा जो ऋग्वेद लिखा गया था वो भी कुछ नदियों के बारे में उल्लेखित करता है, जैसे विदसाता, जिसको के झेलम नदी के नाम से हम जानते हैं, सुवस्तु नदी, ये स्वात नदी के नाम से जानी जाती है, अस्किनी, चिनाब, पुरुषनी, जिसके किनारे पर दशराज युद्ध होगा आगे चल के, रावी नदी, सुतुरदी नदी जो आगे चल के सतलज कहलाती है, व्यापस जिसे आप व्यास नदी के नाम से जानते हैं, दृषद्वदी या रक्षी नदी। तो ये वो नाम है जिनमें से अश्किनी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुरुषनी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और दृषावती, ये आपकी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब आर्यंस माइग्रेट करे हैं, इनके एविडेंसेस हमें क्या मिलते हैं वो जरा देखते हैं। जेंड अवेस्टा, जेंड अवेस्टा जो ईरानियों की एक होली बुक है, उसमें इंडियन गॉड्स का उल्लेख मिलता है, जैसे इंद्र, वरुण और अग्नि। केसाइट के जो शिलान्यास हैं उनमें भी हमको इनके आर्यंस का उल्लेख देखने को मिलता है। भागास्कोई और मिटानी के जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर भी हमें ये देखने को मिलता है। ऋग्वेद में दो नदियों का उल्लेख है जो है कुबा और क्रुमु, जिन्हें खुर्रम और क्यूबा बोलते हैं। ये नदियां अफगानिस्तान की हैं और इनका भी उल्लेख हमें आर्यंस के लिखे हुए ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आर्यंस जब सब सिंधु में आकर के बस गए तो उन्होंने, तब वो बेसिकली कबीले वाले थे, ऐसे कई सारे कबीले मिलकर के ग्राम बनाते थे और जो ग्राम का हेड होता था उसको हम बोलते थे ग्रामीण। ऐसे कई सारे ग्राम मिलकर के विश बनाते थे और विश का हेड होता था विश्वपति। ऐसे कई सारे विश मिलकर के जन बनाते थे और जन का हेड होता था जनपति। जन को हम गण के नाम से भी जानते थे और गण का हेड होता था गणपति। ऐसे कई सारे जन मिलकर के राज्य बनाते थे और राज्य का हेड होता था राजन, जिसे हम गोपा भी बोलते थे, गोपा। तो जो राजन होता था, राजन होता था किंग, और किंग की सर्वप्रथम ड्यूटी होती थी कि किसी भी तरीके से पीपल की रक्षा करना, उनके मवेशियों की रक्षा करना, और साथ ही साथ अगर कोई आपदा आ जाती है तो भगवान से इनके लिए प्रार्थना करना। इन सब कार्यों में इसकी मदद करता था पुरोहित, जो प्रीस्ट होता था, सेनानी, चीफ कमांडर होता था सेना का, और युवराज या कहा जाए राजकुमार। उस समय की खास बात यह थी कि उस समय कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, पहले से नियुक्त कोई भी सेना नहीं थी। उस समय दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, एक होता था आपका भाग और एक होता था बलि। भाग वो होता था जो कंपलसरी टैक्स प्रोवाइड आपको करना ही होता था, और बलि वो हिस्सा होता था जो आप अपनी इच्छा से देते हैं। उस समय जो किंग था, किंग ऑटोक्रेटिक नहीं था नेचर का, उसे असेंबलीज के डिसीजंस का पालन करना होता था। असेंबलीज में होती थी सभा, समिति और विधाता। सभा आपकी
परिवार के मुखिया और बुजुर्गों की समिति होती थी, जबकि समिति हर किसी के लिए खुली होती थी। इसमें औरत, बच्चे और पुरुष सभी लोग शामिल होते थे और राजा समिति की सारी बातों को सुनता था। विधाता जो होता था वो विश लेवल की सभा को बोला जाता था। ऋग्वेद में मजुवंत नाम के एक पर्वत का उल्लेख देखने को मिलता है। मजुवंत नाम के एक पर्वत का उल्लेख देखने को मिलता है जो हिमालय में है और उसको सोम का सोर्स माना गया है। आपको बताते चले, सोम आर्यंस की फेवरेट ड्रिंक हुआ करती थी। बात की जाए अगर सोशियो इकोनॉमिक पहलू की, तो उस समय सिक्स प्रमुख ट्राइब हुआ करती थी, जिनमें भरत, पुरु, यदु, द्रुयस, थगवसास और अनु हुआ करते थे। आर्यंस के बीच में लगातार युद्ध होते रहते थे। आर्यंस के बीच में लगातार युद्ध होते रहते थे। ये युद्ध उनके बीच में भी होते थे और आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस के बीच में भी ये वॉर होते रहते थे। इन वॉर्स का जो मेन कारण था वो था उपजाऊ जमीन और मवेशी। एक इम्पॉर्टेंट वॉर देखने को मिलता है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट वॉर देखने को मिलता है, दशराज युद्ध, जिसे कहते थे बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये बेसिकली नतीजा था ईगो क्लैश का। इट वॉज रिजल्ट ऑफ आउटकम ऑफ ईगो क्लैश बिटवीन वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। जो वशिष्ठ थे वो आर्यन थे, जबकि विश्वामित्र जो थे नॉन आर्यन्स थे। तो इन दोनों के बीच में ज्ञान को लेकर के एक ईगो क्लैश हो गया था, जिसकी वजह से दशराज युद्ध हुआ था, जो पुरु नदी के किनारे पर हुआ था। इस युद्ध में 10 राजाओं ने भाग लिया था गुरु वशिष्ठ की तरफ से, जिसमें से पांच आर्यन थे और पांच नॉन आर्यन्स थे। हालांकि इसमें गुरु वशिष्ठ हार गए थे और विश्वामित्र की तरफ से यहाँ पर भरत कबीले से सुदास लड़ते हैं और सुदास इनसे जीत जाते हैं। इन पांच आर्यंस में जो सबसे प्रमुख थे वो थे पुरु। जो पुरु थे वो वशिष्ठ की तरफ से लड़े थे और बुरी तरीके से हारे थे। हालांकि कालांतर में भरत कबीले और कुरु कबीले की मैत्री हो जाती है और ये कुरु कुरु नाम की जगह की स्थापना करते हैं। कुरु वही जगह है जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है महाभारत के समकालीन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।